हेलो ऑल दिस इज़ सानवी शर्मा आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी आज मैं जनरलाइज्ड रीडिंग का जो सीरीज़ है फॉर जनवरी वो स्टार्ट करने जा रही हूँ जनवरी 2021, अ न्यू फेज इज़ गोइंग टू बिगिन फॉर ऑल ऑफ अस 2020 वाज लाइक like एक पेंडेमिक की वजह से सब लोगों ने कही कहीं ना कहीं सफ़र किया है ओके okay? सो so, देखते हैं नया साल क्या लेकर आ रहा है सो so, आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो तो अगर आप अपने किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो लेट्स सी जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन है ये वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है सो वॉट आर द एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल फॉर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो सेवन ऑफ स्पोर्ट्स पेज ऑफ स्पोर्ट्स देंग मैन जस्टिस का कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स नाइन ऑफ कप्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ओके सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग वर्गो पीपल कहीं ना कहीं आपने पास्ट में ये चीटिंग वाली चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने साथ अपनों ने ही पीठ पे खंजर घोपा है ये एनर्जीज आपने महसूस की हैं अपनी लव लाइफ़ में अपनी पर्सनल लाइफ में अपने पर्सनल स्केल पर जॉब की टर्म्स में बिजनेस की टर्म्स में आपके सक्सेस की टर्म्स में ओके okay? कोई ना कोई आपके पास हमेशा चीटिंग एनर्जी रही है और ये चीटिंग एनर्जी अब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से जाने वाली है आप इस एनर्जी से बहुत लंबे अरसे से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे लेकिन आप नहीं छुड़ा पा रहे थे क्योंकि हालात वैसे नहीं बन रहे थे 2020 में आपको ऐसा चांस नहीं मिला कि ये एनर्जी आपसे अलग हो जाए डिटैच हो जाए बट 2021 की शुरुआत में ही ये एनर्जी आपसे डिटैच हो जाएगी डेफिनेटली ओके okay? अब क्या था इस एनर्जी की वजह से अगर आप किसी से कोई भी बात करने की कोशिश करते थे तो वहाँ लोग आपको गलत समझ रहे थे आपका अपनों के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन वीक होता जा रहा था मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही थी आप कहते कुछ थे लोग समझते कुछ थे आपके अपनों ने भी आपके साथ सेम ही बिहेव किया है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज वीक पड़ती जा रही थी आपकी समझ ठीक थी, थी आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे थे बट दूसरे लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे अगर आपने अपनी फैमिली से इस चीटिंग एनर्जी के बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आपका यकीन नहीं किया लव करियर की एनर्जीज़ में भी सेम थिंग हुआ अगर आपने किसी को एक्सपोज करने की कोशिश की तो आपको ही गलत समझा गया ओवरऑल भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को पॉजिटिवली नहीं समझा गया इस तरह की एनर्जीज हैं बट अब ये 2021 जनवरी से ये एनर्जीज़ खत्म हो जाएंगी ये एनर्जीज धीरे धीरे डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएंगी द हैंकमेन का कार्ड है यहाँ पर आपकी इन दो चीज़ों की वजह से ये चीटिंग एनर्जी और आपको गलत समझने की एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अटक गई थी हैंग थी ओके okay? और ये एनर्जी आपको इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप की अवेकनिंग स्टार्ट कर ली वो हालात वैसे बनते गए आप सिचुएशन में स्टक रहे लेकिन अवेकनिंग कहीं पास पास में होती रही इसको हम ये चीज़ कहते हैं कि एक बुरा वक्त था लेकिन जो डिवाइन है जो भगवान है, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प मिलती रही लेकिन अब ये जो हैंग सिचुएशन है आपकी जनवरी 2021 में ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे ये जस्टिस का कार्ड है आपको जस्टिस मिलने वाला है आपके लिए सब चीज़ें बहुत अच्छे से निकल कर आने वाली हैं आप अपनी ज़िंदगी में अब बैलेंस अटेन कर पाएंगे आपकी अगर ये सब कुछ जॉब प्रोफाइल में हुआ है तो कहीं ना कहीं आप उसी जॉब के अंदर बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी के जो कहते हैं कि एक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें आप खुद सेट कर पाएंगे आपके अकॉर्डिंग आपकी, आपकी लाइफ चलने वाली है क्योंकि आपने इस सिचुएशन के अंदर बहुत कुछ फेस किया है और अब क्या है वो फेस करने से आपके अंदर एक मेचोरिटी लेवल डेवलप हो गया है यहाँ कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है अभी भी दिसंबर की एनर्जीज में जो लोग इन एनर्जीज़ में हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे कि अभी भी उनकी ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही है लेकिन 2021 के अंदर ये चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है आप बैलेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो जाएगी डिवाइन आपके लिए यहाँ पर जस्टिस करने वाले हैं आपको इंसाफ मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा उसमें आपके लॉसेस होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं बल्कि जो ये पार्टी है जो ये एनर्जी है वो कही कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाएगी एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप बहुत लंबे अरसे से करना चाह रहे थे वो ये चीज़ थी कि आप कहीं ना कहीं वे एक जिसको हम कहते हैं केयर फ्री जिंदगी जीना आप वो जीना चाहते थे आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी एनर्जीज़ को मिस कर रहे थे आप कहीं ना कहीं अपनी उन एनर्जीज़ को मिस कर रहे थे जहाँ पर आप बिना किसी टेंशन के रहते थे ठीक है अपने पुराने अच्छे दिनों को आप मिस कर रहे थे अब आप वो दिन दोबारा से जी पाएंगे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है वर्गो पीपल ये जो टाइम है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है उसका रीज़न ये है आप अपनी लव लाइफ में केयर फ्री होने वाले हैं आपकी टेंशन्स रिलीव होती दिखाई दे रही हैं आप अपनी जॉब uh, प्रोफाइल के अंदर आप करियर uh, में बिजनेस में फाइनेंसेस की टर्म्स में आप थोड़े ना रिलैक्सड हो जाएंगे जनवरी से इस तरह की चीज़ें आपके लिए निकल कर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर द अदर कार्ड हेअर एज नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये चीज़ बता रही है आपकी जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होने वाली है आपने इस जो ये फेस था आपका इसमें आपके अंदर बहुत सारे इमोशनल लॉसेस हुए नाइन्टी परसेंट आप इमोशनली रुइन हो चुके थे लेकिन अब वो सारे इमोशंस आप जी पाएंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में इम्प्रूवमेंट है आप जिस भी स्पेयर को उठा लीजिए चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे वो आपकी जॉब की सिचुएशन है करियर फाइनेंसेस कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं हर एक चीज़ के अंदर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है जब मैं पर्सनल लाइफ कहती हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं प्रमोशन की सिचुएशन है वो सब इंक्लूडेड होता है ओके okay? तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए है आप इमोशनली ख़ुद को काफ़ी हद तक रिलैक्स्ड महसूस करने वाले हैं और ओवरऑल भी लाइफ के अंदर एक सेटिसफेक्शन की एनर्जी आती हुई दिख रही है एक बैलेंस अचीव होता हुआ दिख रहा है वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी अदर कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर यह बताती है एक तो ओवरऑल बैलेंस दूसरा हो सकता है आपको फाइनेंशियल गेन्स इतने ज़्यादा हों कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बैलेंस में आ जाए आपने इम्बैलेंस देखा है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी वो ओवरऑल बैलेंस आप अटेन कर पाएंगे यहाँ पर आपके अपने अंदर एक ठहराव की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को भी ओवरऑल बैलेंस्ड फील कर पाएंगे बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये बैलेंस अचीव करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ आपके लिए इन सब सिचुएशन से निकलते हुए जब इतनी मेहनत की है तो आप देखिए जनवरी में आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा और वो बहुत ही खूबसूरती से मिलता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन इस सारी चीज़ से एक चीज़ हुई है कि आप ना लोगों से डिसकनेक्टेड हो गए हैं और वो जो डिसकनेक्ट हुए हैं ना वो अच्छे के लिए हुए हैं यहाँ पर क्या है आपने ज़रूर कुछ मेडिटेशन किया ज़रूर कुछ आपका इंक्लिनेशन इन स्पिरिचुअल फील्ड बढ़ा जिसकी वजह से ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव आ रही है और अगर आप इस एनर्जी में एंटर नहीं कर पाते हैं जनवरी में तो मैं आपको एक गाइडेंस यहीं पर ही देना चाहती हूँ कि आप स्परिचुअली अपने आप को अलाइन कर दीजिए अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज़ जो आपके चल रहे थे वो भी ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जानवरी में बहुत ही अच्छी एनर्जी है बैलेंस्ड हो जाएंगे आप और आपको ना ये पता लगेगा कि आपने ये जर्नी क्यों कवर की क्यों आपके साथ ऐसा हुआ इस चीज़ का जो आपको है ना कि क्यों मैं ही क्यों ये क्वेश्चन आपके साथ हमेशा होता होगा तो उसका जवाब आपको इस जनवरी 2021 में मिलने वाला है वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ तो वर्गो पीपल अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स विद आकाशिक रिकॉर्ड्स लेट्स चेक दैट ओके तो क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स लेट्स सी दैट ओके सो वॉट आर द एनर्जीज फॉर वर्गो पीपल कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं फॉर जनवरी 2021 एट ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आपको रोशनी की किरण नजर आएगी जनवरी 2021 में बट क्या है उस बात को आप जानते नहीं हैं आप एक अननोन रास्ते पर चलेंगे मैंने कहा ना आप स्पिरिचुअली अलाइंट होंगे तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली क्वेश्चन uh, करेंगे खुद को कि ये रास्ता आपके लिए सही है या नहीं जो रास्ता आपके लिए अनजान रास्ता है उस रास्ते पर आपको चलना है क्योंकि वही रास्ता आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर लेकर जाएगा आपको उसी रास्ते के ऊपर चलना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ओके तो आपको इस रास्ते के ऊपर चलना है ताकि आप अपनी जर्नी को इजीली कवर कर पाएँ ज़रूरी नहीं होता कि बीटन पाथ्स ही डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं कई बार अनजाने रास्तों पर चलना पड़ता है आपको अपना बिलीव सिस्टम अब चेंज करना होगा 2021 में आपका बिलीव सिस्टम कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज होता मुझे दिखाई भी दे रहा है आपको इस सिचुएशन को समझना होगा आप कहीं ना कहीं दौराहे पर आ जाएंगे कि ज़िंदगी को अब ऐसे जीना है कि वैसे जीना है देखिए चॉइसेस आपके अपने हाथ में है अगर आप इन चॉइसेस को फॉलो करेंगे इन चॉइसेस को अपने इंट्यूशन के साथ फॉलो करेंगे मींस उसमें से आप चूज़ क्या करते हैं वो अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफ़िनेटली आप आगे की तरफ को बढ़ेंगे लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको इस अनजान रस्ते को अपनाना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनवरी 2021 में ओके सो आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आई हो ठीक है अगर कुछ भी अनजानी चीज़ आपके सामने आती है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है ओके okay. जब आप इस रास्ते पर चलने वाले हैं इस 2021 में जानवरी में तो आपको बहुत चीज़ों की गहराई को समझने का मौका मिलेगा आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है आप अपने आप को एक हायर पोजिशन पर फील कर पाएंगे आपकी एनर्जीज हायर होती मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं चाहे आप लव लाइफ की बात करें चाहे पर्सनल वैसे बात करें जो सिंगल्स हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें और अगर आप जॉब की बात करियर की बात फाइनेंसिस की बात हर एक चीज़ में आपका लेवल बढ़ने वाला है जानवरें की एनर्जीज आपको किसी और लेवल पर लेकर जाती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं लेकिन आपको गाइडेंस मिलती जाएगी डिवाइन से इस गाइडेंस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा आपकी जो इनर सेल्फ है उसके साथ हायर सेल्फ के साथ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा ऐसा मत सोचना आप कि आपने अगर कुछ अपने लाइफ में सीखा है तो वो एक फाइनल चीज़ है मीन्स वो ही आपका मतलब आप तो आपकी जो एक्सटेंशन है या आपका जो हायर सेल्फ है या असेंशन की बात अगर मैं यहां कर लूँ तो आपकी असेंशन कंप्लीट हो गई है ऐसा नहीं है आपने अपनी जर्नी से अपना एक लेवल तो डेफिनेटली आप किया है वो दिख रहा है यहाँ पर ठीक है लेकिन आप पूरी तरह से उभर कर बाहर आ गए हैं ऐसा नहीं है अभी भी आपको कुछ सीखने की चीजें हैं देखिए जब एक लोअर टाइम के बाद एक हायर फेज आता है ना तब एक तो इंसान को यकीन नहीं होता दूसरी चीज ये है इंसान ये सोचता है कि अब अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ये अच्छा ही होता जाएगा और कभी लोअर फेस नहीं आएगा ये भी चीज़ गलत है लोअर फेस तब नहीं आता है अगर आप हायर फेस के अंदर डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं आप तब भी सरेंडर किए एनर्जीज चीज़ में रहते हैं कहीं भी अहंकार का भाव अपने अंदर मत लेकर आइएगा ये चीज़ बहुत क्लियर है यहाँ पर आप मेहनत करना मत छोड़िए आप ठीक है आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया पिछले टाइम में आप उन्हें कुछ भी गलत बोलना शुरू कर दें आप अपना कर्मा कहीं पर भी ख़राब नहीं करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ गाइडेंस फॉर यू ओके द द थिंग आर्केंजल रफेल का कार्ड है देखिए ये भी बैलेंस का कार्ड है आर्केंजल रफेल आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ एक तो बहुत जितने भी हैं वो रिजॉल्व होते दिख रहे हैं दूसरा ओवरऑल लाइफ के अंदर आप बैलेंस अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आर्केंजल रफेल आपको ब्लेस कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग से ये होता है शिवन शक्ति का आ, कह सकते हैं कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैलेंस में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और जब ये बैलेंस अचीव हो जाता है तो जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है ये बैलेंस ही है जो हमारे अंदर हम अचीव नहीं कर पाते हैं यहाँ पर डेफिनेटली आप उस बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे जनवरी 2021 में वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी द अदर थिंग इज ओके इसके साथ दो कार्ड्स हैं वाव ओके सेटिंग योर कोर्स ये कार्ड ऐसा क्यों आया है ये भी एक डिवाइन मैं बताते आपको सेटिंग योर कोर्स की एनर्जी है आप देखिए आपको अपना रास्ता अब अपने आप तय करना है ठीक है आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है आपको उस तरफ को चलना है अगर आप डिवाइन कनेक्शन के साथ आगे की तरफ को बढ़ते हैं आप एक वाटरफॉल की एनर्जी में आ जाएंगे ये झरना हर चीज की ताकत रखता है ये झरना अपना जो रास्ता है वो अपने आप तय करता है यहाँ पर वो इतना ज़्यादा फोर्सफुल होता है कि ये फोर्सेस आपको यहाँ तक फील होती हैं हर एक अपनी डिफिकल्टी को क्रॉस करता हुआ आगे की तरफ को बढ़ता है लेकिन यहाँ उसकी निर्मलता अपने आप आ जाती है पानी निर्मल हो जाता है यहाँ पर आकर ये ही आपका कोर्स है अगर आपने अपना कोर्स डिवाइन की प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट कर लिया आपको वो चीज़ समझ आ गई, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए ये जो दिसंबर की एनर्जीज़ में आपने देखा होगा आप अभी भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट कर रहे हैं लाइफ में लेकिन जनवरी की एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर आई हैं आपको अपना कोर्स समझना है आपको अपनी एनर्जीज़ को समझना है आपको डिवाइन के मैसेजेस को डेफिनेटली समझना है तभी आप इस वाटरफॉल की एनर्जी में आ जाएंगे आपको अपने आप रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर आपका रास्ता आपको खुद डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चॉइस का पॉइंट सिर्फ ये आना है ये जनवरी में एक चॉइस का पॉइंट आएगा अगर आपने चॉइसेस अच्छी बनाई तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे वेरी वेरी ब्यूटिफुल रियली और यहां पर इनक्रेजेंट मून in का कार्ड है देखिए भगवान ने आपको डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं हार्ड कंडीशंस में से निकाला है ठीक है उसका रीज़न ये था क्योंकि वो आपके अंदर से बेस्ट निकालना चाहते थे जैसे कि एक शिल्पकार मूर्ति को बनाता है तो उसको ऊपर से हैमर से हैमर भी तो करता है ना उसी तरह से भगवान ने आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला था कि आप अपने बेस्ट सेल्फ में आ सकें ठीक है अब आपको अपनी ज़िंदगी को ऐसे शेप करना है ठीक है लेकिन उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर और ये आप करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम जनवरी 2021 वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी और मुझे लगता है जब हम फेब्रवरी की एनर्जीज़ करेंगे ना आपके लिए तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आने वाली हैं ओके okay, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहती हूँ ये जो मैंने एनर्जीज निकाली हैं ये वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की हाईएस्ट एनर्जीज़ हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई राशि फल है ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप अपने आप को जो पिछली रीडिंग्स हैं उनमें अपनी एनर्जीज को फाइंड कीजिए क्योंकि जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है जो इन एनर्जीज तक पहुँचे हैं वो तो डेफिनेटली इसमें एंटर कर जाएंगे अगर आपको नहीं लगता कि आपकी एनर्जीज इतनी हायर हैं तो आप पिछले मंथ का जो दिसंबर का आया है वर्गों का वो चेक कीजिए ठीक है डेफिनेटली आपको उसमें पता लगेगा कि आपको करना क्या है आप कैसे इन एनर्जीज में एंटर कर पाएंगे सो लेट्स सी द मोड ऑफ एक्शन फॉर वर्गो पीपल आप लोगों के लिए मोड ऑफ एक्शन देखते हैं फॉर जनवरी 2021 देखिए मोड ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए ये आपका कर्मा रिलीजिंग का टाइम था जो आपने एक टफ टाइम देखा अब इस ड्रामा से आपको बाहर की तरफ को मूव करना है ये कार्मिक साइकिल था ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है दिसंबर में ये कार्मिक साइकिल खत्म हो गया है अब अपना रास्ता खुद चूज़ कीजिए ठीक है अपने आसपास अच्छी एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए और मोर ओवर अपने ठोड चक्रा पर काम कीजिए ठीक है आपको तब समझ आएगा कि ये कार्मिक साइकिल किस तरह का कार्मिक साइकिल था ये साइकिल आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है ओके okay? लेकिन अब उस चीज़ को पकड़ कर मत रखिए अपने कर्मास को रिलीज़ कर दीजिए और एक बात को समझ लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपने कर्मास पर ध्यान देकर आगे बढ़ना है अब सिर्फ अच्छे कर्म कीजिएगा कोशिश कीजिए किसी को हर्ट मत करना कोशिश कीजिए क्योंकि वो पता क्या चीज़ होती है वो जो कर्माज हैं वो कहीं ना कहीं आगे भुगतने पड़ते हैं अब वो पास्ट लाइफ कर्मा था जो इतना टफ साइकिल था हो सकता है कि अगर अब आप कुछ ऐसे कर्म कर लें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी ने चीट किया है आपको किसी ने डिसीट किया है तो आप अब उन्हें कुछ गलत बोलने लग जाएँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ बैड कर्मा ऑन योर पार्ट आपको किसी को कुछ नहीं कहना है हर एक चीज़ का एक अपना साइकिल होता है वो साइकिल कंप्लीट हुआ है लेट इट मी ओके तो और दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है आप ना सैटरडे को किसी भी ब्लैक चीज का दान कीजिए और शनि मंदिर में जाकर दान करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बिकॉज ऑलरेडी साटन की पोजिशन चेंज हो रही है वो अपने ही घर में है कैप्रिकॉन में है और अभी ढाई साल वहीं पर ही रहने वाले हैं तो मूवमेंट चल रही है तो कर्मा रिलीजिंग का अगर आपके लिए टाइम आ रहा है तो आप प्लीज़ सैटरडे का बहुत ध्यान रखिए नॉन वेज को अवॉइड कीजिए ऑन सैटरडे द अदर थिंग यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ हार्ट चक्रा पर काम कीजिए गणेश जी की आराधना कीजिए दो चीज़ें और गणेश जी की आराधना तो भी करना मत भूलिएगा ठीक है? उससे क्या होने वाला है यह आपका एक ऐसा वक्त है जब आप अपने आप को चार्ज फील करने वाले हैं तो डिवाइन के साथ कनेक्शन उतना ही डीपर आपको करना होगा ठीक है अपने आप को रिचार्ज कीजिए अपने आप को हील कीजिए और ये एनर्जी जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे उतना ही आपके लिए पाथ आपका इजी हो जाएगा अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए वेडनसडे के दिन आ, ग्रीन कलर के कपड़े डालिए ठीक है और हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए हार्ट चक्रा की जो ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए आप कुछ हीलिंग म्यूजिक यूट्यूब से सुन सकते हैं ओके सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू ये आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए दूसरा है डिवाइन ऑर्डर आपको डिवाइन का एक ऑर्डर आया है कि अब आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए क्योंकि आप सही और गलत में फ़र्क करना आप जान चुके हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हुआ है आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है अब इन चीज़ों के अकॉर्डिंग चलिए आगे की तरफ को आपके लिए ये वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से अपना कोर्स आप सेट करेंगे उस तरह के फल आपको मिलने वाले हैं तो डिवाइन का ये ऑर्डर है कि अपनी जो हायर सेल्फ है जो आपकी इंट्यूशन है है, उसकी आवाज को सुनिएगा और अपने थर्ड आई चक्रा पर और अपने क्राउन चक्रा पर जरूर काम कीजिए अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसको अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब करने मत दीजिए रिलीज कर दीजिए ओके तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए ये मोड ऑफ एक्शन है आपके लिए अदर बॉटम ऑफ द डेक पर दीक्रेट विजन का कार्ड है मैंने अभी आपको बोला था कि आप चीज़ों को इस तरह से समझिए आप माफ़ कर दीजिए लोगों को जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए इन ऑर्डर टू हील आप तभी ही हील हो पाएंगे जब आप दूसरे को माफ़ करेंगे तो आप सबके अंदर एक चीज़ को समझिए कि वो ही परमात्मा वास करता है वही भगवान वास करता है हर एक इंसान के अंदर अगर आप इस विज़न से चलेंगे तो आपको लोगों को माफ़ करने में आसानी होगी प्यार की कोई लिमिट नहीं होती है वो आप अब समझ पाएंगे तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ पर कि प्लीज़ जिसने जो कुछ भी कर दिया आपके टफ़ टाइम में आपके साथ कुछ गलत किया सही किया जो कुछ भी है आपको कुछ बुरा लगा उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए ठीक है वो एक साइकिल था वो साइकिल ख़त्म हो गया है दिल से लोगों को माफ़ कर दीजिए और आगे की तरफ को बढ़ जाइए ओके सो आई होप वर्गो पीपल आपको आपका मोड ऑफ एक्शन काफ़ी क्लियर हो गया होगा और अब आपको पता लग गया होगा कि जनवरी के महीने में आपको कैसे काम करना है द अदर थिंग अब देखते हैं कि डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर यू इन जनवरी 2021 जनवरी 2021 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही हैं डिवाइन आपको किस चीज़ से ब्लेस करना चाहते हैं एक ये मैसेज है आपके लिए इस चीज़ को समझिएगा आपने इतना बुरा वक्त देखा है आपको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद कुछ गलत होने वाला है शायद कुछ गलत होने वाला है चीज़ें मेरे लिए वैसे नहीं निकलेंगी जैसे मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये आपका डर है इस हवा को क्लियर कर दीजिए अपने आसपास इस शक को दूर कर दीजिए जो काले बादल आपको इमेजनरी दिख रहे हैं उन्हें अपने सोच से दूर कर दीजिए ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं द अदर ब्लैसिंग फॉर यू इज आप फ्लो के साथ चलिए ये मैसेज भी है एक ब्लेसिंग भी है आप फ्लो के साथ चलिए सब कुछ स्मूथ जा रहा है यही डिवाइन प्लान है आपको टेस्टिंग टाइम पर डालना डिवाइन की मर्जी थी उन्होंने आपको डाला लेकिन अब जो चीज़ें आपके लिए चल रही हैं वो बहुत ही स्मूथ चल रही हैं आप इसी फ्लो के साथ आगे की तरफ को बढ़ते जाइए आपको अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं आपको डिवाइन के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए पॉजिटिव आउटकम ही आएंगे तो इसलिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है द अदर कार्ड इज रेनबो ब्लेसिंग्स देखो इंद्रधनुष के सारे रंगों को अब आप अपनी जिंदगी में इंजॉय कर पाएंगे ये रेनबो ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं अपने हर एक चीज को आप फुलेस्ट फॉर्म में इंजॉय कर पाएंगे अगला वक्त आपके लिए ऐसा आ रहा है डिवाइन का आपको आशीर्वाद है कि आप चीजों को उनके हर एक चरम सीमा तक इंजॉय कर पाएंगे ओके okay? ये सेवन कलर्स आपको आपकी जिंदगी में दिखाई देने वाले हैं चाहे वो आपकी लव लाइफ हो पर्सनल कुछ और स्पेस हो आपकी द अदर थिंग या जॉब करियर फाइनेंस हर एक टर्म में आप इन कलर्स को इंजॉय कर पाएंगे ये ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की आपके लिए वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी देखिए बॉटम ऑफ द डेक पर इंफानाइट अबंडेंस का कार्ड है आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ रही है ये वक्त के साथ बढ़ती जाएगी इन्फानाइट अबंडेंस है तो ऑब्वियसली ये इन्फानाइट लेवल पर जाएगी आपने जितनी मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलने वाला है और ये जानवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं इस चीज़ से आपने अपने ऊपर काम किया आपने अपनी सारी डिफिकल्टीज को फेस करके आप अच्छे फेज में एंटर कर रहे हैं वो आप ही की मेहनत है जिसका फल अब ईश्वर आपको देने वाले हैं सो आई होप वर्गो पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आप अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने प्लीज़ नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी जिंदगी को लेकर क्लैरिटी हो हो सकता है कोई आपके आसपास ऐसा वर्ग या कन्या राशि वाला इंसान होगा जो कि डिप्रेशन की, की एनर्जी उसमें हो क्योंकि उसको लग रहा हो कि शायद जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे तो शायद उन्हें अपनी जिंदगी को लेकर एक नया विजन मिल सके ओके सो so, अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है वहां पर दो लेवल्स पर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए ही पोस्ट करूंगी जिन्हें ज्वाइन का बटन नहीं दिख रहा है वो पेट्री पे ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेट्री का लिंक मिल जाएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून